हाल तेरा होगा, क्या बात है, बहुत ही कमाल की रागनिया सुनी हेमनेम की। मैं इनका भी और बहुत सारे लोग आकर सतवीर जी बैसवाल जी उनका बहुत बड़ा फैन, मनु उनकी तो मैक्सिमम सुनी हुई है सारी रागनिया। वो मेरे को तो वो दादा लक्ष्मी दिखते हैं उनमें, सच बताऊं भगवान लक्ष्मी उनको ऐसा उनको सुन के उनकी जो एक अंदर घुसने की गहराई है ना, वो कभी मजाक नहीं लेते, मजाक में वो हर चीज को इतना सीरियसली इतना अंदर डूब के बोलते हैं कि आवाज अंदर कलेजे में जाती है। बहुत बढ़िया, उनके लिए ताड़ियां बजा देने की। तो थैंक यू। तो यह जो फिल्म है हमारे, मैं एक बार बस इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये रामपाल बलारा जी हैं जो एक पैर पर खड़े होकर 48 डिग्री टेम्परेचर में पूरी फिल्म की शूटिंग करवाई है। ये इसमें रोल भी करा है और चंद्रावण में जिज्जा तू काला में गोरी गणी के जिज्जा ही हुए कहीं तक काला नहीं है। ये हितेश है, दादा लक्ष्मी का रोल करा इसने यंग का, और आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है इसने। मुझे फख्र से कह रहा हूं मैं कि नेशनल अवार्ड की जूरी ने मुझे बताया कि बेस्ट एक्टर के लिए इसके लिए बहुत बहस हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, साउथ के इसको एक्टर को मिला, वो कमाल के एक्टर है हमारे। ये पवन जुलाना है, पवन जुलाना ने इस फिल्म में दादा लक्ष्मी की भी चित्र बनाए हैं और भी कई सारे चित्र बनाए हैं। ये बहुत कमाल के पेंटर हैं और हमारी फिल्म में बहुत अच्छे से हमेशा पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं। थैंक यू भाई। ये पंकज है ना, ये पंकज है सांगी, ये भी इसमें लक्ष्मी चंद के बेड़े में हमारे फिल्म में इसने काम करा है, डांस भी करा है, बहुत बढ़िया काम करा है। ये गिरिजा शंकर है, गिरिजा शंकर जो है ये ऑल इन वन है, इसने जो भी चीज कह दो भाई, ये 100 साल पुराने बर्तन चाहिए, आगे जी भाई, अब बोया चाहिए पुराना बहुत, आ गया जी, दरी चाहिए, उसके चाहिए, खाट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और पूरा आर्ट में इसने बहुत कमाल का काम किया। सिस्टम है और जगत प्रदेशी और योगेश मोदी और इन्होंने तीनों ने मिलकर वहां का पूरा संभाला था, और इसने एक रोल भी कराया है दादा मानसिंह के बेड़े में और फिर बाद में दादा लक्ष्मी के बेड़े में। थैंक यू भाई। ये गायत्री कौशल है, गायत्री कौशल जी कमाल की राइटर है, बहुत अच्छा लिखती है, मोटिवेशनल स्पीच भी देती है और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस भी है, डायरेक्टर भी बन गई अब तो, राइटर डायरेक्टर, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां और भविष्य की शुभकामनाएं। ये राजू मान जी हैं, ये हरियाणा की शान राजू मान, चंद्रावण फिल्म के विलन है, चंद्रावण ने इसे परेशान कर रखा था चंद्रावण को तो, और ये इस फिल्म के स्टोरी भी इन्होंने लिखी है, ये फिल्म इन्होंने लिखी है और इन्होंने एक रोल भी करा है, और मेरे ख्याल से 84 से चंद्रावण से लेकर अब तक कम से कम 50 से ऊपर फिल्में कर चुके हैं अकेडमी, इनके लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच सर। और इन्हीं की इंस्पिरेशन से ही यह फिल्म बनी है, इन्होंने सजेस्ट किया था अगर सांगी बनानी है तो दादा लक्ष्मी से बड़ा कोई सांगी नहीं है। तो इन्होंने बोला, मैंने इन्हें दो सीन सुनाए, एक पहला सीन और एक आखिरी सीन, और मैंने उसी वक्त इनको साई दे दी थी कि मैं काम शुरू आज खत्म। ये है सबसे जो इनके बगैर हमारी कोई बिसाते नहीं है, ये सुप्रीम प्रोड्यूसर हमारे तो ये अगर नहीं होता हम क्या कर सकते बताओ। इन्होंने बहुत कमाल का एक भरोसा दिखाया, देखो सांगी के ऊपर पैसा लगाना, कहीं पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं, एक प्रकार से पैसा मतलब इन्वेस्ट करने वाली बात थी, इन्होंने जो रिस्क लिया है मेरे भरोसे पर, क्योंकि मैंने इनके साथ एक और फिल्म की थी मेन रोल के था, उसमें उन्होंने देखा कि ये आदमी कर सकता है, और मैं हमेशा दादा लक्ष्मी की रागनियां सुना करता स्पीकर पर लगा के मास्टर सतवीर की, तो ये सुना करते, बोला यार ये है क्या, तो एक दिन मैंने इनको वो रागनी सुनाई, या लख 84 खत्म हुए ना बीत कलप युग चार गए, ना तो मैं दमा लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, तो वो उसी दिन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपना करेंगे। ये इशू गौड़ा भाई, ये इसने साउंड करा था जाटी गांव में, पूरा कुंडली का है, जाटी गांव में पूरा साउंड करा था, लोकेशन साउंड, और इसने पार्ट टू में दादा लक्ष्मी के बेड़े में रोल भी कर रहा है, बहुत बढ़िया, और ये हमेशा एक पैर पे खड़ा है, वो ऑल इन वन है, जो हमारा झांसा का राणा है। थैंक यू। और हाँ मैं यशपाल शर्मा, मैंने मतलब 6 साल हो गए एक फिल्म बनाई है, मैं बता रहा बस छोटी सी बात है, बस ज्यादा अमित मलिक जी वेट कर रहे हैं और मैंने गालियां दे रहे होंगे, बस 2 मिनट की बात है। ये बात है कि एक चीज अगर हम सोच ले बनानी है, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला अरे इसमें के दरिया है कौन आवाज देखना, ना कोई हीरोइन है, ना कोई
ग्लैमर है, ना कोई कॉमेडी है, ना कोई कुछ है। तो मैंने कही भाई एक एक आदमी है, उनकी लाइफ बढ़ाते हैं, अब आप झूठ नहीं बोलेंगे। और जो अंदर आत्मा से निकलेगा ना, जो मेरी जो विचार है, जो मेरा जो जो मैंने समझा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। और हमने जो कराया, मतलब मैंने पता है कहीं भी किसी ने भी पता नहीं होता था कि सीन में के है क्यों है, तो सब मेरी पार्ट देखते थे भाई यशपाल जी आओ तो बताऊंगे क्या करना है। तो वहां बहुत ही बढ़िया एक, लेकिन एक एक बंदे का मेरे ऊपर भरोसा था, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो हमारी टीम हो, राइटर हो, सारे सबका भरोसा था मेरे ऊपर कि अब ये शूटिंग में जो काम होगा वो यशपाल जी ने पता है, क्योंकि इन्होंने भी स्क्रिप्ट लिख करके मेरे हवाले कर दी थी, भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ स्क्रिप्ट भाई, अब ये डायरेक्टर की स्क्रिप्ट है। तो मैं सच बता रहा हूँ, आप फिल्म देखोगे यूट्यूब पे गाने और ट्रेलर आ चुका है, अगर आप देख लो दादा लक्ष्मी द फिल्म करके है, ट्रेलर टीजर वगैरह सब कुछ आ गया है, गाने भी आ गए हैं सारे, ऑलमोस्ट 3 गाने बचे हैं तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन असली जो सांगी के गाने हैं, दादा लक्ष्मी के जो सांग है, जो देसी जो सांग है, वो पार्ट 2 में आएगा। इसमें बच्चा है और यो है एक लक्ष्मी दादा जी जो रोल कर रहा है। तो इसके बेड़ा बांधने के सोनलाल के छोड़ने के बाद जो पहली बार बेड़ा बांध गया उसने शुरू कराया, वहां तक की कहानी है यार। और इसमें आपने फुल स्वाद की गारंटी है भाई, मजा नहीं आओ तो पीछे वापस। मैंने पता है रिक्शे वाले ने भी पसंद आई है और इंटेलेक्चुअल ने भी पसंद आई है, और सुरेंद्र शर्मा ने बोला है कि मैंने 100 करोड़ की फिल्म 10 मिनट देखी जाती मेरे से, और इसने 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया मेरे को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आशुतोष ग्वारीकर ने बोला, आशुतोष ग्वारीकर लगान का डायरेक्टर बोले कि यार ये एक्टर कहां से लेकर आया। मैंने कहा कोई खड़खोदा का है, कोई जमाल का है, कोई इधर का है, कोई उधर का है, मतलब ये बॉलीवुड के नहीं है, इन्होंने कभी कैमरा भी फेस नहीं कराया है, 2-3 लोगों ने छोड़ दिया, कभी किसी ने फिल्म नहीं करी थी। और इन्होंने ऐसा काम कर रखा है आप देख कर हिल जाओगे, अंदर तक चीर न जाए। तो मेरी इससे बात हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो बड़े बुड्ढे भी बैठे हैं, सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने रागनिया की रागनिया सुन रखी होंगी, और आपने मुंह चुबानी याद होंगी, मुंह बाया राग आया वाली बात है, आपने सबने पता होगा सब कुछ। लेकिन मैं इतने दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हम्बल पोलाइटली नम्रता के साथ सर झुकाकर कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म वाकई आपको अच्छी लगेगी, बच्चे से लेकर बुढ़े तक सबको अच्छी लगेगी, और सारी दीवारियों लगेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा, मासिंग पुनिया जी को मैं ये जो हमारा जो फेस्टिवल है ना रत्नावली, इसने मतलब बवाल कर रखा है, बवाल काट रखा है। मैंने इतनी भीड़ और इतना कमाल, देखो सांग में ऐसी ऑडियंस, वहां सारे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ सारे कमाल की वेरिएशन है, मतलब इतने ध्यान से सांग सुन ना रहे सारे, कि मैंने मेरी फिल्म में इतने लोग मिल जाते तो मैं धुआं और ज्यादा खा लेता। लेकिन पार्ट 2 में नहीं छोड़ूंगा मैं आपने, सारे में बुलाऊंगा, और 50, 1, 2, 3, 4 हजार की पब्लिक होगी, तो दादा लक्ष्मी जो स्टेज पर गाएंगे तो मतलब मजा आ जाएगा कमाल का। थैंक यू सो मच। 8 नवंबर को हरियाणा में रिलीज है फिल्म, 8 नवंबर को मंगलवार है, कोई गलती नहीं है, हम जानबूझ के मंगलवार ने करी है, तो टेंशन जय बजरंग बली है ना। अच्छा और बस एक बार मेरे गैल अगर आप बोल दो, जैसे मैं अगर बोलूं कि एक त्योहार है, आप बोल दो 8 नवंबर, और मैं बोलूं कि नाम ही काफी है, आप बोल दो दादा लक्ष्मी, बस यो नारा लगा दो दो बार, पर उसके बाद मैं माइक न पकड़ा दूंगा। एक त्योहार है 8 नवंबर, एक त्योहार है, एक त्योहार है, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, पिछड़ नहीं बोल रहे भाई, दादा लक्ष्मी बोल दो कुछ, नाम ही काफी है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी। मासिक जी ने भी रोल करा है इसमें, क्या बात है, मैं भूल गया। और भाई मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पास आउट 287 का, और कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही मैंने अपने तीसरा फेस्टिवल गंगा जल का, अरे माँ बहन बैठी है उसमें गालियां हैं, अरे डांगी साहब आ गए, मुकेश जी, मुकेश गर्ग जी, प्रीतम जी, प्रीतम जी आ जाओ जी,
ये मुकेश गर्ग है कहाँ गया, जो समोसे मोसे लेकर आ करता जीतता हमारे शूटिंग में। आज तक सबसे पहला पोस्टर अपनी दुकान पे इसने लगाया था, बना रहा खुद। अरे धर्मेंद्र डांगी जी है जो हरियाणा में 5 साल से फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं, वो ये करवा रहे हैं और मैं तो बस 7 मिनट का पीछे पीछे ला रहा हूँ। बहुत बढ़िया हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और आपको बहुत सुन के ये खुशी होगी जनाब मोहतरम यशपाल शर्मा जी ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कैमरा उठा के जो अपना आहुति दे सकते थे दी, और उसी दौरान एक कोशिश की आप लोगों के मार्गदर्शन में हरियाणा के सांग पर 350 पेज लिखे गए हैं और बड़ी कोशिश की है, इतनी हिम्मत नहीं है। और इस हिम्मत का और सबूता जाता है महम के रहने वाले मेरे स्टूडेंट है जो संदीप एक बार मंच पर आ जाए पोस्टर के साथ। 30 साल की उम्र में उन्होंने जो सांग पर 2 सांग लिख चुका है आज तक, अभी इस उम्र में इस वक्त आपको कोई सांग लिखने नहीं मिलेगा, इसके 2 पब्लिश हो चुके हैं। संदीप एक बार मंच पर आए डॉक्टर मासिंग बुनिया जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में इस बच्चे ने मेहनत की, 2 सांग छप चुके और 3री सांग की किताब ये चर्चा हुई थी कि दादा लक्ष्मी के साथ आपके हाथों में होगा और आज वो मौका आ गया है। आप डॉक्टर प्रीतम साधरे मेरे शिक्षक साथी डॉक्टर महावीर डॉक्टर जापान और जितने भी शिक्षक साथी कृपया आप मंच पर आ जाए हमारे, मेरे लिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर अशोक जी से गुजारिश है, मलिक सर से गुजारिश है, दैया जी से गुजारिश है, हुडा सर से गुजारिश, राजेश सिंह से एक बार आ जाए सर मंच पर, करनाल से हमारे साथी और संदीप साथ से हो जाए सामने। बहुत शुक्रिया जी, आप सब हमारे साथ अगर तालियां दे तो आप ही की बदौलत ये यहाँ पहुंची हुई है। हाँ इधर जी बहुत शुक्रिया इस मंच पर आपके सहयोग आपके आशीर्वाद के लिए आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। माइक नहीं ना, देखो देखो भाई डायलॉग गंगा जल का वो बाई दाड़ी वाले लेकिन रुपया तेरे वास्ते खड़ा बोल रहा हूँ। हाँ दादा लक्ष्मी का बाद में, पहले गंगा जल को उसकी फरमाइश पूरी कर लूँ फिर दादा लक्ष्मी फिल्म का एक